आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 अंगुली माल है। बच्चों आपने अवश्य अंगुली माल के विषय में सुन भी रखा होगा। अंगुली माल कौन था? एक डाकू था। कोसल प्रदेश के गहन वने घने जंगल में एक दस्यु डाकू अवसत रहता था। कोसल प्रदेश के घने जंगल में एक डाकू रहता था। उसका नाम अंगुली माल है आसीत। अंगुली माल था। उसने निश्चय कर रखा था यत कि मानवा नाम मनुष्यों का वधम कृत्वा वध करके तेषाम उनकी एक अंगुली को छित्वा काट कर तासाम उनकी मालाम माला रचिष्यति बनाऊंगा। एक बार महात्मा बुद्ध श्रावस्ती नगर में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचनस्य अनंतरम प्रवचन के बाद जनाः लोगों ने राज्य में विद्यमान एक दस्यु डाकू के विषय में तम उनको एकथ्यत बताया। दस्यु डाकू की क्रूरता के बारे में ज्ञात्वा जानकर भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती नरेश को एकथ्यत कहा, अहम् मैं तम उस दस्युम डाकू को मेलिष्यामि मिलूंगा। श्रावस्ती नरेश बुद्धस्य वचनम श्रुत्वा बुद्ध के वचन सुनकर चिंतित अभवत हो गए। अकथ्यत च और कहने लगे, ईदृशम ऐसा कार्यम कार्य मा मत कुरु करो, ऐसा कार्य मत करो। वह निर्दय है यानी दया रहित है। यदि भवान आप तत्र वहाँ गंतुम इच्छसी जाना चाहते हो, तरही तो मम सेना मेरी सेना को नयतु ले जाओ। बुद्ध ने उत्तर दिया, नरेश राजन चिंताम मा कुरु, चिंता मत करो। मैं अकेला ही जाऊंगा। एतद् कथित्वा कहकर भगवान बुद्ध एकाकेव अकेले ही वनम वन प्रत्यचलत प्रति मिनुते की ओर जंगल की ओर अचलत चल पड़े। घोरे वने घने जंगल में बुद्धम दृष्ट्वा बुद्ध को देखकर स अंगुली माल है। वह अंगुली माल उच्चै अवदत जोर से बोला, अरे साधु तिष्ठ ठहरो, कुत्र कहाँ गच्छसी जा रहे हो। अरे साधु ठहरो, कहाँ जा रहे हो। दस्यो वचनम श्रुत्वा, दस्यो डाकू के वचन को श्रुत्वा सुनकर बुद्धैवदत बुद्ध बोले, अहम् तु मैं तो त्वाम तुम्हें द्रष्टुम देखने के लिए अत्र यहाँ आया हूँ। मैं तो तुम्हें देखने के लिए यहाँ आया हूँ। मम मेरे समीपे पास आओ। अंगुली माल यथा प्लस एव जैसे ही बुद्धस्य समीपम बुद्ध के पास आगच्छत आया, तस्य है उनके शांतम वदनम शांत मुख को दृष्ट्वा देखकर जड़ीभूत अभवत जड़वत हो गया।
तस्य उसकी एतादृशीम ऐसी दशाम दशा को अवलोक्य देखकर बुद्ध एकथयत बुद्ध ने कहा, तब हस्तेन तब तुम्हारे हस्तेन हाथ से मरनाए मरने के लिए अहम मैं अत्र आगत है, यहाँ अत्र मीन यहाँ आगत है आया हूँ, तुम्हारे हाथ से मरने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। परम परंतु मारणात पूर्वम मारने से पहले मम एकम कार्यम कुरु, मम मेरे एकम एक कार्यम कार्य को कुरु करो, परंतु मारने से पहले मेरे एक काम को करो या मेरा एक काम करो। गच्छ जाओ तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के, एकम पत्रम आने एक पत्ते को ले आओ। वृक्षस्य समीपम गत्वा वृक्षस्य वृक्ष के समीपम पास गत्वा जाकर अंगुली माल है, अंगुली माल ने तस्य उसके एकम एक पत्रम पत्ते को अत्रोट्यत तोड़ा। तस्मई अयच्छत चे तस्मई उसे अयच्छत दिया चे और उसे दे दिया। बुद्ध है पुनः एवदत बुद्ध है बुद्ध पुनः दोबारा एवदत बोले, बुद्ध दोबारा बोले, अधुना अब इदम पत्रम इस पत्ते को वृक्षेण सह संयोज्य वृक्ष के साथ जोड़ दो। बुद्धस्य वचनानि श्रुत्वा बुद्धस्य बुद्ध के वचनानि वचनों को श्रुत्वा श्रुधातु अर्कत्वा प्रत्यय श्रुत्वा यानी सुनकर, सह दस्यु वह डाकू उच्चई एहसत उच्चई जोर से एहसत हसा एवदच्चे और बोला, पृथक पत्रस्य पृथक अलग हुए पत्रस्य पत्ते को पुनः दोबारा संयोजनम जोड़ना कथम कैसे संभवम संभव है, अलग किए हुए पत्ते को दोबारा जोड़ना कैसे संभव है। बुद्ध है बुद्ध ने हसित्वैव हसित्वा प्लस एव, यहाँ पे हसित्वा यानी हस धातु कत्वा प्रत्यय और प्लस एव हसित्वा हसकर एव ही एकथित कहा, अहम एव अहम प्लस एव अहम मैं एव मैंने ही या मैं ही एवं ऐसा कथयामी कहता हूँ या मैंने ऐसा ही कहा है। पृथक कर्णम पृथक अलग कर्णम करना सरलम सरल, अलग करना सरल है किंतु संयोजनम जोड़ना असंभवम असंभव है। वत्स पुत्र जीवन नाश है सरल है, जीवन का नाश करना जीवन को खत्म करना सरल है आसान है। जीवन दानम जीवन दान देना असंभवम असंभव है, अतः इसलिए जीवानाम जीवों के वधात वध को विरम रोक दो, इसलिए जीवों के वध को रोक दो अर्थात जीवों को मारना रोक दो। भगवत है बुद्धस्य वचनानि श्रुत्वा भगवत है भगवान बुद्धस्य बुद्ध के वचनानि वचनों को श्रुत्वा सुनकर सैदस्यु उस डाकू ने या वह डाकू तस्य है उनके पादयो पैरों में अपतत गिर गया। विनयेन विनम्रता पूर्वक अवदच्च और विनम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवन तमसो माँ ज्योतिर्गमय तमसो अंधकार से माँ मुझे ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर ले चलो। अंगुली मालस्य अंगुली माल के पृष्ठे पीठ पर हस्तम हाथ निक्षिप्य रख कर बुद्ध ने तम उसको उपादिशत उपदेश दिया, वत्स पुत्र उत्तिष्ठ उठो प्राणी नाम दुखम प्राणियों के दुख को न्यूनम करनाए कम करने के लिए, सुखम चैवर्धनाए और सुख को बढ़ाने के लिए कार्यम कुरु कार्य करो स्वस्ति ते तुम्हारा कल्याण हो।